वक्त लगेगा लेकिन हर चीज खरीद लूंगा। और जो आजकल के आशिक ये कहते हैं। हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना लिखे एटीट्यूड शायरी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की शायरी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है कानमास्टर। तो आपको कानमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कानमास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पर्सनल ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने यहां पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहां पर 9:60 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम इसमें वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है पेन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको दोनों उंगलियों की मदद से वॉलपेपर को जूम करना है। इस तरह से आपको अच्छे से वॉलपेपर को सेट करना है। अब आपको गाइस यहां से इसको डन कर देना है। आपको गाइस लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन मिला है इनेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह से लग जाएगी। अब यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस इफेक्ट को फुल स्क्रीन में लगा देना है। आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से बिना लिखे एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।